सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। अब मैं डिस्कस करता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, पहली चीज कि ये जो करता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करता है, ठीक है। सी तो याद रख रहेगा, एंजाइम जो होता है वो किसको अफेक्ट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट करता है? डेल्टा जी को अफेक्ट करता है। इनको अफेक्ट करता है, ठीक है, इनको क्या करता है? अफेक्ट करता है। किसको अफेक्ट नहीं करता? दैट इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता। इट इंक्रीज द रेट रिएक्शन बट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ये पूछा गया है, इट्स नॉट इट KD या KA को अफेक्ट नहीं करता। एंजाइम जो होता है ये को अफेक्ट करेगा या डेल्टा जी को अफेक्ट करेगा, KD को अफेक्ट नहीं करता। रिड्यूस क्या करता है? ये रिड्यूस करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, रिड्यूस करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को, रिड्यूस करता है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे कि कई सारे आते हैं, दैट इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी। मैंने आपको यहाँ पे कल क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन आप लोगों को पता नहीं किया है कि नहीं किया है, एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, सो एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड ये वन केटल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, एक्टिव स्पेसिफिक एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पे, एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें देखने की कोशिश करिएगा, एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिविटी KM Vmax। एंजाइम से एक हमेशा आपको बता दूं, एंजाइम से मैंने आपको बता दूं कि एंजाइम से एक क्वेश्चन दो नंबर का आता ही आता है। एंजाइम काइनेटिक से एक क्वेश्चन टू मार्क्स का आएगा ही आएगा, चाहे न्यूमेरिकल आए, चाहे डायग्राम आए, चाहे आए, लेकिन आएगा। लिख के ले लीजिए, आएगा। ठीक है, सो ये क्या होता है? एक्टिविटी की बात करते हैं, तो एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं सिंपल, इसी यूनिट से न्यूमेरिकल भी कैलकुलेट होता है, दैट इज माइक्रोमोल, माइक्रो जाता है इंटरनेशनल यूनिट। एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं मोल पर सेकेंड, इसको बोलते हैं दैट इज द केटल। अगर रिलेशन की बात करें, जब रिलेशन की बात करें, तो एक इंटरनेशनल, एक केटल में जो होता है 6×10⁷ इंटरनेशनल यूनिट होता है। केटल जो है वो ज्यादा होता है, और केटल जो होता है वो 6×10⁷ इंटरनेशनल यूनिट होता है। इसके बाद इसको अगर इधर से भेज के सॉल्व करना चाहो, तो अगर वन इंटरनेशनल यूनिट की बात करें, तो 1.67×10⁻¹ केटल हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये केटल या इंटरनेशनल यूनिट के फॉर्म में हो सकते हैं, आप इसको रिलेट कर सकते हैं ऊपर या नीचे फॉर्म में। एक्टिविटी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कि कितना सब्सट्रेट, व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ सब्सट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, दैट माइक्रोमोल ऑफ द सब्सट्रेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट पर मिनट। नाउ देखिएगा कि यहां पे एक आता है स्पेसिफिक एक्टिविटी, एक आता है स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं कैटालिटिक इफिशियंसी। अभी मैं एंजाइम काइनेटिक्स डिस्कस करूंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद, तो वहां पे आता है कैटालिटिक इफिशियंसी। ये कैटालिटिक इफिशियंसी जो होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से, स्पेसिफिक एक्टिविटी या कैटालिटिक इफिशियंसी। अगर आपके पास एक्टिविटी दी हुई हो, या आपको दिया हुआ हो के कैट या KM, KCAT and KM दिया हो, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? When you have the activity, then a specific activity is protein concentration, किस में? mg में। याद रखिएगा, यूनिट हमेशा फोकस करिएगा mg में। अगर किसी भी यूनिट में दिया है माइक्रोग्राम, मिली आपको माइक्रोग्राम, kg, ग्राम, तो उसको mg में कन्वर्ट करना है। प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी इन mg। नाउ KCAT by KM का तो आपको ऑलरेडी पता होगा, कई बार पढ़ा होगा कि KCAT by KM इज द कैटालिटिक एफिशिएंसी या स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और इस तरीके से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। नाउ देखने की कोशिश करिएगा, अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आएगा, जस्ट सपोज, कैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी या एक्टिविटी, गेट लाइफ साइंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में, 2015 आया हुआ है, ठीक है, 14 में भी आया हुआ है, वो कैसे क्वेश्चन है, दैट से कि 200 माइक्रोमोल
200 माइक्रोमोल ऑफ द ग्लूकोज, 200 माइक्रोमोल ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड, इज कन्वर्टेड, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, इज कन्वर्टेड इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है इन 10 मिनट, इन 10 मिनट. What will be the specific activity if the protein concentration or enzyme concentration, protein or enzyme concentration is 10 mg? मैं यूनिट थोड़ा सिंप्लीफाई किया हूं, यूनिट अलग आ सकता है, ठीक है. एमजी माइक्रोग्राम कोक्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने एमजी रखा हुआ है. तो क्या करेंगे, पहले आप सॉल्यूशन के तौर पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे. व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्टिविटी. पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक्टिविटी क्या हो जाएगा, एक्टिविटी होता है कितना माइक्रोमोल सब्सट्रेट है, 200 माइक्रोमोल सब्सट्रेट है, ये डिवाइडेड बाय कितने मिनट में, 10 मिनट में, यानी कि इसकी एक्टिविटी कितनी है, करेंगे तो 20 माइक्रोमोल पर मिनट इज द एक्टिविटी. स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, दैट इज द एक्टिविटी, एक्टिविटी डिवाइडेड बाय द प्रोटीन इन mg. एक्टिविटी क्या है, 20 माइक्रोमोल है, 20 माइक्रोमोल पर मिनट, और प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन है 10 mg. तो ये आ जाएगा 2. यूनिट का हमेशा ध्यान रख रहेगा, हमेशा यूनिट का ध्यान रख रहेगा, दैट इज व्हाट, यूनिट क्या हो जाएगा, माइक्रोमोल पर मिनट पर mg. यूनिट मिस मत करिएगा, न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है लाइफ साइंस या गेट बायो जी में, सो यूनिट मैनिपुलेशन से ही कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. वो मैं कराऊंगा जब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपके लास्ट सेशन में बायोकेमिस्ट्री के, तो वहां पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पुट अप करूंगा आपको, तो वहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा, तो देखिएगा कि कैसे यूनिट को ही मैनिपुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं अगर यूनिट्स को कंसीडर करते चलेंगे तो. नाउ ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, एंजाइम काइनेटिक्स की तरफ बढ़ते हैं. एंजाइम काइनेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे, और एक चीज ऐसा कि आपको पता है कि गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है नेट टाइप का, जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप. न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस क्वेश्चन को हमेशा करना है, क्योंकि इनकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती. कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है. और एंजाइम काइनेटिक्स की बात करता हूँ, यहाँ पे ई प्लस एस के वन के माइनस वन, एक एंजाइम जो होता है तो कन्वर्ट होता है किसमें, एंजाइम सब्सट्रेट से बाइंड करेगा. चलिए काइनेटिक्स की बात करता हूं, यहाँ पे काइनेटिक्स क्या होता है, एंजाइम सब्सट्रेट से बाइंड करेगा, के वन के माइनस वन होगा यहाँ पे, फिर ईएस होगा, इसके बाद ये के टू कन्वर्ट होगा, एंजाइम प्लस प्रोटीन, एंजाइम प्लस कन्वर्ट होगा. लिमिटिंग होता है वो कौन सा होता है, के टू होता है, सिंगल डायरेक्शनल इज द रेट लिमिटिंग. सिंगल डायरेक्शनल जो होता है वो रेट लिमिटिंग यहाँ पे होता है, सिंगल डायरेक्शनल इज अ रेट लिमिटिंग. नाउ अब जो माइकलिस मेंशन इक्वेशन होता है, वी इज इक्वल टू वी मैक्स के एस के एम प्लस एस, यहाँ पे अब दो चीजें आती है कि के एम क्या होता है इस काइनेटिक्स में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एम. तो के एम जो होता है, काइनेटिक्स की बात करूं तो वो होता है के माइनस वन प्लस K2 divided by K1. ये पूछा गया है लाइफ साइंस 2014 के क्वेश्चन में, 14 या 15 मुझे याद नहीं है, ये क्वेश्चन उठा के पूछता है कि K1 exactly है क्या, ठीक है. दो ये exact इससे जो निकलता है K-1, ES का टूटना divided by ES का बनना, ये क्या है exactly, KM जो होता है वो होता है ES का breakdown, ठीक है, ES का breakdown divided by ES का formation, यही होता है आपका KM. ये KM है, माइकलिस मेंशन इक्वेशन है, हाइपरबोलिक कर्व होता है, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया भी था CSIR में, ठीक है, CSIR में आया था. सो नाउ देखने की कोशिश करिएगा कि Vmax यहाँ पे होता है, इससे रिलेटेड CSIR में अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था 2019 में ही, कि ये Vmax होता है टॉप पे और ये Vmax by 2 होता है, उससे जो जुड़ता है ये होता है KM, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन KM होता है, जहां पे V is equal to half of Vmax. KM जो डिफाइन करता है वो अफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब KM जितना ज्यादा होगा अफिनिटी उतनी ही कम होगी. इस KM और इन सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए ये जो इक्वेशन होता है ये एग्जैक्टली एग्जैक्ट नहीं बता पाता Vmax को. इसी को सॉल्व करने के लिए क्या आया था, रेसिप्रोकल प्लॉट लेके आए थे. कौन लेके आया था, एलबी लिन वेवर एंड बर्ग, तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने की यूज किया था. अब यहाँ के एक टर्म आता है जिसको बात करते हैं, के कैट, जिसको बोला जाता है टर्न ओवर नंबर. टर्न ओवर नंबर क्या होता है, वी मैक्स बाई ई टी, फॉर्मूला याद रख रहेगा, वी मैक्स बाई ई टी मैक्सिमम वेलोसिटी और कितना एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज व्हाट द वी मैक्स बाई ई टी. के कैट यही होता है वी मैक्स बाई ई टी. अगर आपको याद करिए कि Vmax by ET या KCAT कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इट इज द एक्टिविटी,
कितने इसका रेट जो है माइक्रोमोल पर मिनट इतना है, ये कुछ ऐसा ही लग रहा होगा कि ये क्या है, ये आपका एक्टिविटी जैसा कि क्या एक्टिविटी, कितना टर्नओवर नंबर है, कितना एंजाइम बन रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है एंजाइम से, दैट इज व्हाट द टर्नओवर नंबर, इतने मिनट में इतने एंजाइम में कितना प्रोडक्ट बन जा रहा है, दैट इज द टर्नओवर नंबर, ठीक है। सो ये सारी चीजें चलती है, कैटालिटिक इफिशियंसी के केट बाई के एम वन अपॉन वी के एम अपॉन वी मैक्स, ये जब आप इसको इन्वर्स करेंगे, माइकलिस मेंशन इक्वेशन को इन्वर्स करेंगे तो ये इक्वेशन आता है 1 अपॉन वी के एम अपॉन वी मैक्स 1 अपॉन एस 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी मैक्स। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बेसिक सीधा स्ट्रेट लाइन है, ड्रॉ करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट आपका 1 अपॉन वी मैक्स बनेगा, एक्स इंटरसेप्ट माइनस 1 अपॉन के एम, स्लोप इज द के एम अपॉन वी मैक्स, वाई एक्सिस इज द 1 अपॉन वी एंड एक्स एक्सिस इज द 1 अपॉन एस। This is used to calculate the Michaelis-Menten plot या questions इस तरीके यहाँ पे पूछे जाते हैं कि questions solve करने के लिए कई तरीके के questions आते हैं, ज्यादातर questions कुछ तरीके से आते हैं जैसे KM और Vmax से पूछा जाता है, जो Michaelis-Menten equation से उससे कई सारे enzyme के questions पूछे जाते हैं, ठीक है। Michaelis-Menten equation से कई सारे questions पूछे जाते हैं, ठीक है। वो questions क्या हो सकते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि KM और Vmax में एंजाइम है, एक पर्टिकुलर एंजाइम है, एंजाइम की जो वेलोसिटी है, एंजाइम की वेलोसिटी जो है वो 0.5 वी मैक्स है, 0.5 वी मैक्स है, तो व्हाट विल बी द के एम, के एम क्या होगा इन टर्म ऑफ एस, इन टर्म ऑफ एस देखने की कोशिश करिएगा। इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि अगर केएम पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। सो सॉल्व करेंगे सीधा वही माइकलिस मेंशन इक्वेशन, वी इज इक्वल टू वी मैक्स इनटू एस के एम प्लस एस, ठीक है, के एम प्लस एस, ये कॉमन सेंस का है, तो सीधे एस होगा, सीधा दिखना चाहिए कि सीधा बिना सॉल्व किया बता सकते हो एस होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द वी मैक्स है, 0.5 है, ठीक है। बट मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि v को पुट करेंगे यहां पे, v को पुट करिए 0.5 vmax, पुट करेंगे vmax इनटू s डिवाइडेड बाय km plus s, ये रहा vmax, vmax कट जाएगा, यहां से आपको km लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 km plus 0.5 s is equal to s, इसको इधर भेज दीजिए, इसको जब आप इधर भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 km इक्वल टू 0.5 s, क्योंकि 1 s है, अगर इससे 0.5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि km इज इक्वल टू s आ जा रहा है, km जो है वो s आ जा रहा है। नाउ कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, जैसे कि इफ द vmax इज 3 माइक्रोमोल पर मिनट, इफ दैट इज व्हाट Vmax is a 3 micromole per minute and Km is 2 gram per liter, या आप इसको gram per liter बोल सकते हैं। So what will be the concentration? What will be the substrate concentration? क्या होना चाहिए, अगेन वही यूज करोगे इस इक्वेशन को जब मैनिपुलेट करते हैं, दिस इक्वेशन, ये जो माइकलिस मेंशन है इसको जब मैनिपुलेट करते हैं तो ये क्या होता है, Km टू Km इंटू वी डिवाइडेड बाई वी मैक्स माइनस वी होता है, ये फॉर्मूला होता है। जब आप इसको सॉल्व करते हो, जब इसको सॉल्व करोगे तो Km है 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई वी मैक्स है, वी यहां पे मेंशन नहीं किया है, मैं वी दे देता हूं, दैट इज द 1, ठीक है, ये वी मैक्स दे देता हूं, माइक्रोमोल पर मिनट, 1 माइक्रोमोल पर मिनट, दैट इज वॉट 3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 ग्राम पर लीटर आ जाएगा, That is what the S value. Exactly, ये चीज इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल इस तरीके से कई तरीके से मैनिपुलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इनहिबिशन के बारे में, कम से कम गेट का अगर पेपर उठा के क्वेश्चन ना आया हो इनहिबिशन से तो आप कह सकते हो कि नहीं आया, चाहे वो बायोटेक हो चाहे एक्सेल हो, दोनों एग्जाम में इनहिबिशन कहीं ना कहीं उठा उठा के पूछा जाता है, ठीक है। नाउ देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 4 इनहिबिशंस होते हैं, बेसिकली एक मिक्स्ड होता है जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं लिख देता हूं,
एक होता है कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव अनकॉम्पिटेटिव मिक्स। एक कोड याद रखना होता है, अगर कोड याद रखेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है कोड, कोड की बात करेंगे, बताया हुआ यूपी के नाना पाटेकर पीसी लेकर आए हैं, वो कोड क्या है याद रख रहिएगा, ठीक है। वो कोड क्या है एग्जैक्टली, दैट इज वॉट यूपी के नाना पाटेकर पीसी लेकर आए, दैट इज वॉट द कोड इज। यूपी के नाना पाटेकर पीसी लेकर आए, ये कोड क्या है, ये कोड में देखिएगा क्यों ये बता रहा हूं, दैट इज अनकॉम्पिटेटिव पैरेलल, अनकॉम्पिटेटिव पैरेलल। नाना का मतलब नॉन कॉम्पिटेटिव नेगेटिव एक्सिस, अभी मैं बताऊंगा नेगेटिव एक्सिस। एंड पीसी का मतलब है दैट इज वॉट द कॉम्पिटेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्या है वो देखने की कोशिश करिएगा। दैट इज वॉट यहां पे देखिएगा, ये है कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव में कहां पे मिल रहे हैं सारे इनहिबिटर्स जो होते हैं, जो ग्राफ होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में इनहिबिटर्स, ये नो इनहिबिटर का केस है, इनहिबिटर बढ़ाएंगे इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, हमेशा चलेगा नो इनहिबिटर के साथ, जैसे इनहिबिटर बढ़ाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा कॉम्पिटेटिव में कहां पे मीट कर रहे हैं, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, पीसी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। नॉन कॉम्पिटेटिव में कहां पे मीट कर रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, इसीलिए नाना एनएन नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। उसके बाद आता है अनकॉम्पिटेटिव, जहां पे ये पैरेलल होते हैं। तो ये होता है ग्राफ को याद करने का तरीका, कोड याद रखेंगे कभी नहीं भूलेंगे, यूपी के नाना पाटेकर पीसी लेकर आए कभी नहीं भूलेंगे। नाउ कॉम्पिटेटिव में केएम जो होता है वो इंक्रीज, जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है उसमें आपको अल्फा फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना। व्हाट इज अल्फा, ठीक है, इनहिबिटरी कोफिशिएंट। अगर मैं बात करूं यहां पे इनहिबिटरी कोफिशिएंट, इससे भी कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट बायोटेक और एक्सेल एग्जाम में, सिर्फ इक्वेशन से केएम अपेरेंट करके पूछा जाता है इनहिबिशन के फॉर्म में, दैट इज व्हाट केएम अपेरेंट पूछा जाता है। तो ये केएम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मल्टीप्लाई होता है 1/i/ki। ये 1+i/ki है क्या, 1+i/ki इसी को बोला जाता है अल्फा। ये अगर केएम इंक्रीज हो रहा है, अगर केएम इंक्रीज हो रहा है कॉम्पिटेटिव में, तो जो केएम प्राइम होगा वो हो जाएगा केएम इंटू अल्फा। अगर मैं कहूं कि वी मैक्स जो है कांस्टेंट रहता है, ये कॉम्पिटेटिव का केस है, जबकि नॉन कॉम्पिटेटिव में, नॉन कॉम्पिटेटिव में के एम कांस्टेंट होता है, वी मैक्स जो होता है वो डिक्रीज होता है। जब वी मैक्स डिक्रीज हो जाएगा तो नया वी मैक्स प्राइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी मैक्स डिवाइडेड बाई अल्फा। डिक्रीज हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आपका यूज करना है। और ये अल्फा होता है आई अपॉन के आई। सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। Being an all India rank holder, मैं विरेन सिंह बनाऊंगा आपके CSI NET preparation को आसान। Download the Unacademy Learning app and use the code Viren अपनी plus subscription पर 10% off पाने के लिए।